हेलो फ्रेंड्स, बहन जी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने जिंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको अस्तर ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ये कटिंग कर रखी है ब्लाउज की। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। इस तो कटिंग इतनी को सरल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगी कि जो भी हमारी नए सिस्टर सीखना चाहती हैं उन्हें अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को तो ये शुरू हमारा करते अस्तर हैं। का कपड़ा है और ये ब्लाउज का कपड़ा है। तो सबसे पहले नाप जान लेते हैं। तो ब्लाउज का चेस्ट है 34 इंच, लंबाई है 13 इंच, कंधा है 14 इंच और बाजू की लंबाई 4 इंच, आगे का गला 6 इंच और पीछे का गला 10 इंच। तो इसे हम खोल लेते हैं। पहले खोलने के बाद इसे थोड़ा सा पहले कम कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई, हमारी लंबाई 13 इंच थी तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये 14 इंच हो गया। अब यहाँ से हम 34 का दूसरा भाग 17 होगा तो 17 इंच यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को बढ़ा देना है या फिर आप 4 इंच बढ़ा सकते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा या 1.5 इंच आप रख सकते हैं। अब इसको यहाँ से पहले कट करके निकाल लेते हैं। अब इसको दोबारा से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। चौतीस इंच का एक भाग हम निकालेंगे, 8.5 इंच। यहाँ से देखिए हमारा दो दो इंच लगभग कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब हम कंधे की नाप करेंगे। तो कंधा हमारा 14 इंच है, 14 इंच हम 14 का हाफ 7 इंच, तो 7 इंच में से हम 2 इंच मतलब कम कर देंगे तो हमारा इस तरह 14 में से 10 इंच आ जाएगा, 4 इंच कम हो जाएगा, 10 का दूसरा भाग 5 इंच। अब आर्म होल 5.25 इंच। यहां से 1 इंच अब इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहां से ज्वाइंट है तो यहां पर देखिए ये कम वाला हमारा ये पीछे का पल्ला है और ये ज्यादा वाला आगे का पल्ला। और पीछे पल्ले में हम पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर मुट्ठी का निशान लगा लेते हैं 3 इंच। अब यहाँ से हमारा गला 2 इंच है। अब गले की गहराई नाप लेते हैं तो 10 इंच है तो हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखना है। अब यहाँ पर 2 इंच है और यहाँ पर 2.5 इंच। अब इसको यहां से ऐसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा गला बन गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये पीछे पल्ले के गले की कटिंग हो गई है। आगे पल्ले में कटिंग करेंगे तो पीछे पल्ले की कटिंग 14 इंच पे हुई थी तो यहां से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। छ इंच गले की गहराई है, 6.5 इंच। यहां से भी 3 इंच। यहां पर हम 1/2 इंच डाउन करेंगे आर्म होल में। अब यहाँ
बीच वाले हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो हम 12 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 12 इंच पर। लेकिन निशान हम पहले लगा लेते हैं। अब 1 इंच यहां से ऊपर, तो ये हमारा बेल्ट ब्लाउज का निशान बनकर रेडी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम काट कर निकाल देंगे। आगे के पल्ले में हम प्लेट का निशान डालेंगे। अब यहाँ से हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 8.5 का हमें एक भाग निकालना है, 4.25 इंच। 4.25 इंच पर हम बीच वाला प्लेट का निशान डालेंगे। इसकी लंबाई 2 इंच है। अब गले की तरफ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो हमारी 2 प्लेटें बन गई हैं। हर एक प्लेट के बीच में गैप 2 इंच का होना चाहिए। अब चौथी भी प्लेट हमारी बन चुकी है। अब इन सभी को अब हम एक दूसरे पर रख कर छाप लेंगे। अब बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को यहाँ से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। दोबारा से इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। बाजू की हमारी लंबाई है 4 इंच। 1 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए 5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की कटिंग 5.25 इंच पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। इस साइड में हमें 2 इंच निशान को रखेंगे। अब इसका हम बाजू का शेप दे देंगे, कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर हम कट कर देंगे। अब बाजू को खोल लेंगे, गुणित का निशान लगाएंगे ताकि हमें उल्टा सीधा का पता चल सके। अब यहाँ पर 0.5 इंच हम गहराई को छाटेंगे। गहराई को छाटने के बाद अभी रहा हमारा ये ब्लाउज का कपड़ा। ब्लाउज के कपड़े में हम सभी पार्ट को रखकर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। खास करके जब आप ब्लाउज का कपड़ा कट करें तो आपको कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग करना है, ताकि आप जब भी सिलाई लगाएं तो आपको सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना हो और आपका कटिंग और सिलाई परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हो जाए। खास करके नए लोग इस बात का ध्यान जरूर दें। ब्लाउज का कटिंग आप जब भी करते हैं तो आप कटिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा ही बढ़ाकर करिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने ब्लाउज की कटिंग आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।